हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, फ्लावर्स तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर साथ ही आप लोगों को यह भी पता हो कि कौन सा फूल हमारे वास्तु के लिए अच्छा है तो कितनी अच्छी बात हो। इसी श्रृंखला में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फूल जो आम तौर पर सभी लोग अपने घर में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि गेंदे के पुष्प को जो है आपके घर के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर इसे आप वास्तु में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो क्या ये वास्तु के अनुसार शुभ है, और यदि यह वास्तु के अनुसार शुभ है तो इसे कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, गेंदा जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की पूजा कार्यों में जो है गेंदे के पुष्प का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, गेंदे का पुष्प ऐसा पुष्प होता है जो हर देवता को चढ़ता है। हम किसी भी देवता को अर्पित कर सकते हैं, विशेष रूप से फ्रेंड्स माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली पर जो है गेंदे के पुष्प की माला समर्पित की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि वास्तु के अंदर गेंदे का क्या उपयोग है। अगर आप गेंदे के फूल को वास्तु में लगाते हैं, अगर आप गेंदे के पौधे को वास्तु में अपने घर में जो है जगह देते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और इसका प्रयोग ऐसा है कि 12 महीने तक आपके घर में गेंदा होना चाहिए। इसके लिए आपको ये करना होता है कि हर 3 महीने के अंतराल में आपको नए नए गेंदे के बीज उगाते रहना चाहिए, ताकि आपके घर में 12 महीने गेंदे के पुष्प आते रहें और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। अब जान लेते हैं कि गेंदे का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, गेंदे का पौधा आपको घर के पश्चिम दिशा या फिर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर फूल है और इसका औषधीय महत्व भी बहुत अधिक है। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा माना जाता है कि गेंदे के फूल सुंदरता में उपयोगी होते हैं। अगर किसी को मस्से हो गए हैं या तिल हो रहे हैं या फिर ब्राउन स्पॉट्स है, तो मित्रों, आप गेंदे के पुष्प को पीस कर रोज़ 15 मिनट के लिए प्रभावित स्थान पर लगाएं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि ये जो गेंदे के प्लांट की हरी हरी पत्तियां हैं, ये अगर कोई जहरीला जीव काट ले तो उस स्थान पर इनको पीस कर लगाने से बहुत ही लाभ होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये गुरु ग्रह के लिए भी बहुत ही उपयोगी पौधा है। अगर आप अपने स्नान जल में 3 गेंदे के पुष्प डालकर स्नान करते हैं तो गुरु ग्रह से जनित आपकी कोई भी पीड़ा हो वो समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप साइड में दिया गया बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी शीघ्रता से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।